अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ओबीएफ और आज मेरे साथ मौजूद हैं माहीन वाहिद बलोच। हमारे बाबा हमें टास्क देते थे कि आप उन किताबों को रीयूज करो, आप जो भी सीख रहे हो आप उस नॉलेज को शेयर करो। ऐसी लड़कियां जिन्होंने मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो हम उनको प्राइवेट भी कराते हैं। दरअसल हमारे मौसी हालात इतने अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास चाइल्ड लेबर होते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़े काम किए हैं आपने और अभी भी कर रही हैं माशाल्लाह। एक के लिए तो मैं बिल्कुल लड़ चुकी हूं कि आप मैट्रिक के एग्जाम तो देने बच्चे को दें, और अगर नहीं बस कल शादी है बच्चा, ये बच्ची एग्जाम नहीं दे सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ओबीएफ और आज मेरे साथ मौजूद हैं माहीन वाहिद बलोच। इन्होंने लियारी के इलाके में बहुत अच्छे कुछ काम किए हैं, जैसे कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं यानी उनके वालदैन पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की तो वो हालत है नहीं कि वहाँ बच्चों को भेजा जाए, तो उनको पढ़ाती हैं, उस हवाले से भी मशहूर हैं और लाइव थिएटर भी करती रही हैं और एक फीचर फिल्म भी बनाई है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, बहुत सारी आपके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और लोगों ने काफ़ी कुछ पहले ही पूछा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि बचपन में जो आप, वैसे तो बड़ी छोटी उम्र में आपने ये काम शुरू किया कि लोगों को, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उससे पहले ये इंस्पिरेशन आप में आई कैसे, कहाँ से आपको ये मिला, घर का माहौल ऐसा था या क्या था, वो थोड़ा सा? सबसे पहले तो ये है कि ये चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने अडॉप्ट की हैं, तो वो मेरे वालिद साहब से मुझे आई हैं। हमारा घर एक अदबी घराना है, उसमें हमने सीखा है कि किस तरह से लिटरेचर पे काम किया जाता है, अपने करियर पे काम करना, एजुकेशन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये तमाम चीज़ें मुझे मेरे पेरेंट्स से आई हैं, वो मुझे मेरे बाबा से, तो हम चीज़ें डिस्कस करते थे। जैसे मैं अगर स्कूल पढ़ रही हूँ तो हमारे हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, जैसे हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे स्कूल नहीं जाते थे, तो हमारे बाबा हमें टास्क देते थे कि आप जैसे पढ़ रही हो, आपके से बच्चा पास आउट होता है तो उसकी किताबें कहाँ जाती हैं, तो वो छोटे छोटे टास्क हमारे वाले साहब हमें देते थे कि आप उन किताबों को किस तरह से रीयूज़ कर रहे हो, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम उन्हें रीयूज़ नहीं कर पाते, या तो हम उन्हें भेज देते हैं या तो हम उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाते। तो हमारे बाबा हमें टास्क देते थे कि आप उन किताबों को रीयूज़ करो, आप जो भी सीख रहे हो आप उस नॉलेज को शेयर करो। तो ये चीज़ें मुझे मेरे घर से मिली, मेरे वाले साहब से मिली, जो कि अब आपके सामने एक मिस्ताक फाउंडेशन के शक्ल पे है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि कैसे वो शुरू हुआ काम, जो मिस्ताक आपका जो जा रहा है, मुझे उसका नाम लेकिन मुश्किल है थोड़ी, एक तुम बताइएगा इसके मायने क्या है और ये कैसे आपका रुझान उस तरफ गया, लाइक कैसे जहन में आइडिया आया कि ये करना चाहिए? देखिए, मिस्ताक के मायने हैं गुड न्यूज़, मिस्ताक एक बलूची वर्ड है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को आगे प्रमोट करूं, तो इसलिए मैंने एक बलूची नाम रखा है मिस्ताक, गुड न्यूज़। और इसके साथ इसको नाम देने का मकसद ये था कि जैसे मैं काम करती थी उस टाइम तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं अपने टास्क पूरे करती थी, जैसे जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ मैं वो अपने लोगों तक, अपने कम्युनिटी तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब का यही था कि मेरे बच्चे अपने कम्युनिटी के बारे में भी सोचे कि जो वो चीजें पढ़ रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म उनको मैं दे रहा हूं, तो वो चीजों को सही से यूटिलाइज करें, ये ना हो कि वो बस वो माहिन तक महदूद रहे। तो ये चीजें करते करते फिर जैसे सोशल मीडिया का दौर आ रहा, तो मैंने वहां पे बहुत चीजें सीखी, मैंने वहां पे अपनी स्टोरी शेयर की, तो वहां से मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इस काम को एक नाम दें। तो नाम के चक्कर में मैंने इसको बलूची नाम देने का सोचा कि ताकि मैं अपने लैंग्वेज को भी प्रमोट कर सकूं, मैं अपने कल्चर को, मैं अपने कास्ट को भी आगे लेकर जा सकूं। और इसके साथ इसका ये भी है कि मिस्ताक का नाम इसलिए मैंने रखा कि हम इसको ओपन प्लेटफॉर्म रखें। ओपन से मुराद ये है कि इसमें मैंने काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, मैंने उन काफी लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं माहीन के नाम से काम करती तो वो एक बाउंडेड रहता, तो इसको ओपन रखने का मकसद था। और दूसरी बात, नाम देने के साथ इससे काफी लोग कनेक्ट हुए, और जैसे मैं अब लियारी में काम कर रही हूँ, मिस्ताक के हम डिफरेंट ब्रांचेस हम लियारी से बाहर भी कर सकते हैं, तो नाम रखने से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, तो ये हमारा मकसद था। हाँ, अगर सिर्फ माहिन रखते तो फिर आपकी जात तक महदूद हो जाता और दूसरे लोग शामिल होते हैं। हाँ, बिल्कुल, सकते भी है इस मामले में।
ठीक है, तो अभी कितने बच्चे हैं जो आपके साथ इस जिनको आप ये पढ़ा रही हैं, और लियारी में इसका रिस्पांस कैसा है? क्योंकि मैं लियारी देख चुका हूँ, तो बच्चे कुछ ऐसे भी होते होंगे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, बिल्कुल। वो क्योंकि आजाद घूमना तो सबको अच्छा लगता है, हाँ तो बिल्कुल। मुश्किल नहीं होती इस काम के अंदर? देखिए मुश्किलात तो बहुत ज्यादा होती हैं, आपको मेंटली तौर पर भी फिजिकल तौर पर भी, मैंने बहुत चीजों को फेस किया। अब 6 साल की जर्नी है मेरी, अब 7वां साल हमारा स्टार्ट हुआ है इस काम में। मैंने ही देखा है कि आपको रैपिड मतलब फास्टली या रैपिडली आपको अचीवमेंट नजर नहीं आती, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है एक स्ट्रीट बच्चे को एजुकेशन की तरफ लेकर आना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 6 महीने के प्रोसेस को हम डालते हैं इसमें, तो हम उसको बच्चे की पहले तरबियत करते हैं, उसको उठना बैठना, उसको जैसे मैनर्स सिखाना, उसको हाइजीन के बारे में बताना। देखो पढ़ाई सिर्फ आप बुक की पढ़ाई नहीं है, आप इसमें उनकी लाइफ को कैसे वो मतलब सर्वाइव कर रहे हैं वो तमाम चीजें उनको सिखाना वो एक अलग अलग सी बात है। और ऐसे बच्चों को पढ़ाने में आपको टाइम बहुत लगता है, वो आपको मतलब जल्दी से आपको अचीवमेंट नहीं आती। तो इस काम में मैंने देखा है कि कम्युनिटी का सपोर्ट है भी, कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं भी है। बहुत से लोगों के माइंड अजम्पशन आते हैं कि शायद माइंड पैसे कमा रही है या कुछ और, मतलब इस तरह से नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं। लेकिन मैं अपने बाबा के कॉल के साथ चली हूँ, जो कॉल उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे याद है कि मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो तब जाके उन्होंने मुझे एक बात की कि माइंड लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नेगेटिविटी को इग्नोर करके आपकी लाइफ में अगर 1% भी पॉजिटिविटी है आप उसके साथ लेकर चलो, आप उसके साथ लेकर चलोगी तब जाके आपको अचीवमेंट नजर आएंगी। तो माशाल्लाह से अब हमारे पास बहुत से बच्चे इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचे हैं, बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचे हैं। ऐसी लड़कियां जिन्होंने मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो हम उनको प्राइवेट भी कराते हैं। जाहिर सी बात है उनको निकलने का मसला होता है, तो बहुत चीजें ऐसी हैं कि तो हम उनको प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जाम दिलाते हैं, उनको स्किल प्रोग्राम कराते हैं। देखिए भीख मांगने से अच्छा है कि किसी बच्चे को आपने स्किल प्रोग्राम सिखा दिया कि सिर्फ काम करना बुरी बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि अगर कोई बच्चा काम कर रहा है इट्स ओके, मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करती हूँ इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन काम के साथ हम उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ताकि वो एजुकेशन को कंटिन्यू करें। एजुकेशन को कंटिन्यू करने में वो मिस्ताक हमारे साथ शाम में आते हैं, हम शाम में क्लासेस लगाते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्टर के बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर है वो हमारे पास आते हैं, या हम स्टार्टिंग से उन बच्चों को लेते हैं जो कि स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे कि उनको कोई अवेयरनेस नहीं है, या सिंगल पेरेंट्स हैं, या पेरेंट्स हैं भी वो उनके मतलब पेरेंट्स लेबर का काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो हम उनको अवेयरनेस देते हैं ताकि वो आगे निकल के अपने लिए काम करें। और अभी मिसाल के प्लेटफॉर्म से काफी ऐसे बच्चे निकले हैं कि अपने बिजनेस में बच्चे काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, बच्चे सैलून ओपन कर रहे हैं, अपने बिजनेस में आगे गए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचे। तो ये अचीवमेंट है हमारी, तो खुशी इस बात की होती है कि पहले जिस एरिया से माहिन अकेले निकलती थी, अब उस एरिया में जब माहिन यूनिवर्सिटी के लिए निकलती तो पीछे बच्चे बोल रहे हो कि मिस माहिन जा रही है, हमें भी शाम में ट्यूशन जाना है। ये अचीवमेंट देख के तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जो तकलीफें होती है, जाहिर सी बात है तकलीफें तो हैं, लाइफ में स्ट्रेस हो जाता है आपका, आप रेस्ट नहीं कर पाते हो, आप अपने लोगों को टाइम नहीं दे पाते हो। जैसे मेरी पर्सनल बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स है जो मैं उस टाइम नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे मिस्ताक को टाइम देना पड़ता था। तो ये चीजों के साथ साथ लेकिन वो बच्चों की जो खुशी आपको नजर आती है, उनकी अचीवमेंट नजर आती है, तो वो चीज मुझे आगे तक लेकर आया और इंशाल्लाह आगे भी लेकर जाएगा। वेरी गुड, बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़े काम किए हैं आपने और अभी भी कर रही हैं माशाल्लाह। आपके वालिद साहब का जब मुझे आपने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम वालदैन को वालिद को अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी करने की तौफीक देता। बहुत अच्छी तरबियत आपकी की है। लियारी में जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो भी ये भी होता है कि छोटी सी उम्र में काम में लगा देते हैं, तो इस वजह से भी पढ़ाई से दूर करते हैं कि अगर ये पढ़ेगा तो फिर हमारे साथ काम कैसे करेगा। छोटे छोटे काम कर रहे हैं, किसी ने ठेला लगाया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो बच्चों को साथ ले लेते हैं। तो वो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस देना करना इस सिलसिले में भी कुछ कर रही है या करती रही है? देखिए हमारे पास, पहले तो मैं अपने बाबा की उसमें बात करूं कि हमारे घर में सिर्फ मैं ही नहीं आगे हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर विमेन इशू पे काम कर रही है, मेडिकल पर्सपेक्टिव पे काम कर रही है, छोटी सिस्टर स्पोर्ट को प्रमोट कर रही है, वो नेशनल प्लेयर है पाकिस्तान में, वो खेल चुकी है। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बाबा के जैसे ऐसे
बाबा सब लड़कियों को मिले तो हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से लाइफ को जीना है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने कम्युनिटी को भी अपने साथ आगे लेकर आना है। और बाकी जो पेरेंट्स का है तो मैं उसमें आपको ये बताऊं, हाईलाइट करूं कि हम मिस्ताग में सबसे पहले पेरेंट्स मीटिंग के साथ ही एडमिशन देते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे आप बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हो तो इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी हो, क्योंकि जो चीजें फ्री में लोगों को मिलती है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ग्रांटेड लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एडमिशन के पहले हम पेरेंट्स से मिलते हैं कि वाकई में देखते हैं कि बच्चा मतलब बच्चा वाकई में उसको डिजायर मतलब वो उसको ये चीजों की जरूरत है या नहीं है, वो कहाँ से आया, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं, जैसे 6 मंथ पे हम पेरेंट्स की प्रोग्राम रखते हैं, हम देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, हमारे पास क्या कर रहा है, पेरेंट्स को क्या पता है कि बच्चा मतलब उनको ये रखते हैं कि बच्चे पे अपडेट रहे ना कि वो मिस्ताक जा रहा है कि कर क्या रहा है। तो हम पेरेंट्स मीटिंग्स भी साथ में रखते हैं। और उसके साथ में अगर चाइल्ड लेबर की बात करूं, देखिए हमारे पास हालात बहुत बुरे हैं, हालात बहुत बुरे हैं, उसकी वजह से एक भूख इंसान को जब आपको भूख लगती है, जब आप उस चीजों को सफर करने लगते हो, आपके घर में हालात बुरे होते हैं तो आपको काम कोई भी काम आप कर सकते, चाहे आपका बच्चा छोटा ही क्यों ना हो। तो चाइल्ड लेबर हमारे पास बनते क्यों है, जैसे मतलब हमारे मौसी हालात इतने अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास चाइल्ड लेबर होते हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बच्चा चाइल्ड लेबर है, काम कर रहा है इनकेस, लेकिन उसको अवेयरनेस तो हम दें कि काम करने के टाइम उसे कोई हरासमेंट ना किया जाए, उसे कोई बुली ना किया जाए। तो हम उनको चीजें सिखाते हैं, आप काम कर रहे हो, अब भले काम करो, काम करने इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन हम उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं ताकि काम के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल सेफ्टी भी पता हो कि आपको किस हद तक आगे जाना है, आपको क्या करना है, अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो आपको किस डिपार्टमेंट में जाके बात करना है। तो हम ये काम पेरेंट्स के साथ भी करते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं। अच्छा मैं मैंने सुना कि आप थिएटर भी करती रही हैं, लाइव थिएटर, तो ये कैसे शौक बना है एकदम इस काम से, तो अलग अलग ही है ऑलमोस्ट। देखिए थिएटर तो मेरा अपना पर्सनल शौक था, मुझे बचपन से ही एक्ट करने का बहुत ही शौक था। मुझे याद है कि ये काम करने से पहले मैं यारी में डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मतलब जितने भी कराची के जितने प्लेटफॉर्म होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, मैं वहाँ पे यारी को प्रेजेंट करती थी। मुझे डिबेट करने का, स्पीच करने का, इंग्लिश में स्पीच करने का बहुत शौक था और मैं छोटे छोटे इंग्लिश प्लेस करती थी। जैसे पहले तो मुझे याद है कि मैं पहले स्टेज पर जब प्रॉप बन के काम करती थी, प्रॉप ये होता है कि थिएटर में आपको चीजें खुद बननी पड़ती हैं क्योंकि आपको उठा नहीं सकते, उठा नहीं लेकर आते। तो ये शौक मुझे अपना है, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि स्टेज ड्रामा करना। मैंने काफी ग्रुपों के साथ काम किया। 2015 में मैंने सोचा, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपने ग्रुप में लेकर आऊं, मैं अपना एक ग्रुप बनाऊं, उसमें हम थिएटर की जर्नी को आगे लेकर आए। मुझे याद है कि आई एम कराची यूथ फेस्टिवल जो हर साल होता है आर्ट्स काउंसिल में, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आया हुआ था, तो उसके एड्स मेरे पास आए। तो मैंने अपने उसमें बाबा से डिस्कस किया कि क्यों मैं अपनी टीम लेकर जाऊं, मेरे पास कोई टीम नहीं था उस वक्त। तो मैं बस एक बच्चों में होता है ना कि एक जज्बा, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं इस थिएटर के प्लेटफॉर्म को अब यारी से बाहर लेकर जाऊं। तो मैंने अपने कॉलेज के जो लड़कियां मेरे साथ थी, यारी से तीन लड़कियां मेरे साथ, मैंने उनको लिया और डिफरेंट जगहों से मैंने मतलब अपने जैसे स्टूडेंट्स जो मेरे थे उनको मैंने अप्रोच किया। तो मैंने एक इंग्लिश प्ले लिखा, मैंने उसको प्ले लिखने के बाद मैंने उसको अपने सिस्टर से दिखाया कि आप उसको मतलब ठीक करके दे, स्क्रिप्ट प्ले लिखना, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है। तब जाके मैं आर्ट्स काउंसिल में हम लोग गए, मैंने परफॉर्म किया और मुझे उस टाइम इतना अंदाजा नहीं था कि हम ऑल ओवर कराची टॉप करेंगे। मतलब ये था कि ना हमारे पास कोई कॉस्ट्यूम था, तो वो लोग पूछते थे कि आपका थिएटर टीचर कौन है, तो मेरे साथ टीम मेंबर बोलते थे कि माहीन है, क्योंकि उस वक्त तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि एक टीचर का होना है। मैंने वो चीजें खुद सीखी, अलग ग्रुप के साथ काम करके, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के से इंटरव्यूज सुन के, लोगों के पास जा जाके, क्योंकि मुझे शौक था तो मैं उनसे जाके मिलती थी, उनसे मैं पूछती थी कि थिएटर क्या चीज़ है, तो खुद कलेक्ट करना, क्योंकि बच्चों में होता है कि वो डेटा कलेक्ट करते थे, तो मैं वो चीज़ें डेटा कलेक्ट करती थी अपने आप से, मैंने थिएटर पे सीखा। फिर इसके बाद वो मुझे पूछते थे कि आपके ग्रुप का नाम क्या है, हमारे पास नाम इवन नाम ही नहीं था, क्योंकि जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हो तो वो आपको नाम पूछते हैं, वो आपका टीचर पूछते हैं, इवन हमारे पास कॉस्ट्यूम भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से उसको लेकर चलना है। लेकिन हमारी जो स्टोरी थी, जैसे मैंने स्टूडेंट पावर विल विन,
क्योंकि मैंने स्टूडेंट पावर पे लिखा था कि जो हमारी स्टूडेंट की ताकत होती है उसे कोई भी जुटा नहीं सकता, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ। मेरा टॉपिक इसी बात पे था, मतलब रियलिटी पे ही मैंने जो चीजें अपनी देखी तो मैंने उसी हिसाब से उस थिएटर को लिखा। तो इसमें मैंने उसको, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं था, वो नाम पूछ रहे थे, मेरे दिमाग में आया रॉक दी बैंड, मतलब उसी टाइम मैंने उसको एक नाम दिया रॉक दी बैंड के नाम से। तो वो रॉक दी बैंड के नाम से मेरी थिएटर जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद मैंने काफी प्ले किए, मैंने दादा बॉय में किया, आईबीए में किया, मैंने हैदराबाद में किया, लाहौर में भी हमारा एक प्ले था, और ग्वादर में मैंने प्ले किया। पहले तो हम इंग्लिश प्ले करते थे, फिर इसके बाद उर्दू प्ले लिखना मैंने स्टार्ट किया। उर्दू पे मैंने बहुत काम किया अपना, क्योंकि होता है कि बच्चों में कि आप देखिए जुबानें वो आपके ऊपर है, आपको उनको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उसमें आपको महारत हासिल हो सकती है। तो फिर मैंने उर्दू पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो डिफरेंट है, जो आप लिखते हो वो डिफरेंट है। तो उस पर मैंने काम किया। तो फिर मैंने दादा बॉय में, मुझे याद है कि मैंने उर्दू में मैंने तमाशा मेरे आगे मेरा प्ले था, वो मैंने अपने टीम के साथ किया। तो ये जर्नी भी आगे रहती गई। फिर उसके बाद 2017 में ग्वादर से हमें इनविटेशन आया कि रॉक दी बैंड ग्वादर में आके प्ले करे, वहाँ पे बुक्स फेस्टिवल होते हैं डिफरेंट, वो हर साल होता है बुक लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से ग्वादर में। तो फिर इसके इसमें मेरी बलूची थिएटर को आगाज किया, तो फिर मैंने बलूची में लिखना स्टार्ट किया। थिएटर की जर्नी के साथ साथ अब जाके मैं, कोविड से पहले की बात है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई तो मैं अरीना से कनेक्ट हुई, मैंने वहाँ पे फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ाई की, मैंने फिल्म मेकिंग को सीखा कि किस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, किस तरह से एडिटिंग करते हैं, फिल्म को कास्ट करना या फीचर फिल्म में किस तरह से काम किया जाता है। तो वो चीज़ें मैंने अरीना से फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे स्पॉन्सर आया, मैंने वहाँ से उसको ज़ाया होने नहीं दिया। मैं वहाँ पर रात में जाके पढ़ती थी, मतलब अब ये देखें कि सुबह मैं कॉलेज जाती थी, फिर इसके बाद अपनी स्टडी करती थी, फिर मिस्ताक का काम होता था, और रात में मैं बॉयज टाइमिंग पे अरीना जाके पढ़ती थी। मतलब गर्ल्स टाइमिंग पे मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं मिस्ताक चला रही हूँ, तो मैं लियारी से चंडीगढ़ रोड जाके सिर्फ फिल्म मेकिंग के हवाले से मैं पढ़ती थी। 6 मंथ का वहां का कोर्स था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब देखिए हम डिजिटल वर्ल्ड में है, तो ये चीजें मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मिली, कोई गाइडेंस नहीं थी, जो चीजें आप कर रहे थे, जो काम आप कर रहे थे, मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया ने ये सारी चीजें मुझे सिखाई कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्यों ना हम फिल्म को लेकर आए, क्योंकि फिल्म इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एक बड़े पैमाने पे ग्लोबल वर्ल्ड पे। थिएटर तो ये है कि आप लिमिटेड लोगों के सामने कर सकते हो, आप एक जगह पे जाके कर सकते हो, लेकिन फिल्म एक ऐसी चीज है कि आप ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हो, आप अपना मैसेज कहीं भी दे सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम थिएटर की जर्नी से फिल्म पे आए और इसको हम परस्यू करें, ताकि इसमें ये हो कि मिस्ताक में जो बच्चे मेरे साथ हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी आदि हों, कल वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, मैं इन्फ्लुएंसर की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि बच्चे आजकल ऑनलाइन कितना, मतलब ऑनलाइन ज्यादातर बच्चे कमा रहे हैं, तो मेरा ये था कि मैं बच्चों को डिजिटली कनेक्ट करूं, उनको ये चीजें उनके अंदर डेवलप करूं, मतलब फिल्म एक जरिया था उनको इस तरफ लेकर आना। तो इसमें मैंने अपनी टीम के साथ डिसाइड किया कि क्यों ना हम विमेन इशू पे बात करें, जिन पे बात ही नहीं किया जाता, जो हम वर्बली बात नहीं कर सकते, जिनको आप टैबू माना जाता है, अगर हम फिल्म के जरिए करें तो वो डेफिनेटली लोग जाहिर सी बातें सुनेंगे भी, उसको आप इजली लेकर आ सकते हो, पीसफुली आप लेकर आ सकते हो। तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ हानि के साथ बात किया कि हानि की एक किताब लॉन्च हुई है मिरर ऑफ लाइफ के नाम से, उसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज है विमेन इशू के बारे में, वहां से हमने एक स्टोरी को उठाया। स्टोरी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वर्जिनिटी एंड चाइल्ड मैरिज, कि आजकल के दौर में अब 2022 में भी लड़कियां वर्जिनिटी के हवाले से बहुत सी चीजें फेस कर रही हैं, उनको हरास किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको जिंदा मार दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि फिल्म के जरिए हम स्टोरी को आगे लेकर आए, वो स्टोरी रियल स्टोरी थी, तो मैंने उसको इस पर स्क्रीन प्ले बनाना स्टार्ट किया। फिल्म मेरी उर्दू में है और वो किताब बलूची में है, तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया, उस पे स्क्रीन प्ले मैंने लिखा। स्क्रीन प्ले आपको पता है कि मैंने 16 टाइम उस पे स्क्रीन प्ले पे काम किया है, क्योंकि जब आप इस तरह से टॉपिक पे काम करते हो तो आपको बहुत चीजों को संभल के करना पड़ता है, क्योंकि फिल्म में आपको उनको उस तरह से दिखाना है कि आपकी ऑडियंस भी समझ जाए और आपका मैसेज भी आगे जाए। फिर मेरे साथ जो लड़के मेरे साथ कनेक्ट थे वो भी मेरे दोस्त थे, जैसे मैं उनकी हेल्प करती थी, वो मेरे साथ उन्होंने मेरी हेल्प की, बाम प्रोडक्शन एक्सेल में
सागर है, असद है, राशिद है, ये बलूचिस्तान के लड़के हैं लेकिन ये इकड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पे कराची में। उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है कि मैं उनको हेल्प करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि माइन हम आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना, मतलब वो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे आपके साथ। फिर उसके बाद चीजें तो हमारी फाइनलाइज हो गई, स्क्रीन प्ले फाइनलाइज हो गया, लेकिन होता है कि प्रोड्यूसर अब कहाँ से लेकर आए, क्योंकि हमारे पास गैजेट उस तरह से है नहीं। मैं चाहती थी कि मैं इस फिल्म को ऑफिशियली तौर पर मतलब एक जबरदस्त तरीके से शूट करूं। जाहिर सी बात है वो गैजेट हमारे पास है नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको रेंट पे लेकर आना, वो तमाम चीजें। तो हमने मैंने सर अब्बास से बात की, अरीना मल्टीमीडिया आईआईसी के वो हेड है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहे हर वक्त, वो हमारे साथ बहुत ही पॉजिटिव रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ये कहते हैं ना कि जब आप आगे निकलते हो तो वो कारवान खुद बनता है, तो इस तरह से कारवान बना, हमें प्रोड्यूसर मिला। 2 साल थी स्ट्रगल के बाद मैंने इस फिल्म की शूटिंग की डेट फिक्स की है। मतलब इतनी खुशी होती है ना कि आप 2 साल से लगातार काम कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, कास्ट फाइनलाइज कर रहे हो, किसको लेना है ऑन बोर्ड, किसको नहीं लेना है। और इस फिल्म में मैंने न्यू कमर्स को भी चांस दिया है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हम न्यू कमर्स को चांस नहीं देंगे तो वो जाएंगे कहाँ, वो एक्सपीरियंस कहाँ से बनाएंगे। तो मैंने उनको भी चांस दिया है ताकि वो आके हमारे साथ काम करें, वो हमारे साथ सीखें कि काम किस तरह से होता है। तो अभी हमने इसको कोविड के, कोविड आ गया, फिल्म हमारी रेडी हो गई, कोविड आ गया, मैं परेशान हो गई कि अब क्या कर सकते हैं, इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद फिल्म स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये भी चीजें पॉसिबल हुई। हमने इसी साल आर्ट्स काउंसिल में उस फिल्म की स्क्रीनिंग की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, कि बहुत सी लड़कियां आई हमारे साथ, उन्होंने अप्रोच किया है कि वाकई में हमारा इशू है, आपने इस पे बात किया है। तो उससे क्या होता है कि उनको भी एक मोटिवेशन मिला है कि हम इस पे बात कर सकते हैं, कि अगर माहिन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस फिल्म में मेरे फैमिली के भी लोग आए थे, कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक 2 साल की जर्नी के बाद कोविड का आना, उसको लेकर चलना, यहाँ से यारी से गुलशन तक मैं एडिटिंग के लिए आती थी, मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन जो अचीवमेंट मिली वो अचीवमेंट ये थी कि लोगों की जिंदगियों पे बहुत असर पड़ा। उनसे क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है कि आप उन्हें पीसफुल, मतलब पीसफुली अपने मैसेज को आगे दे सकते हो, आप बता सकते हो कि लड़कियां क्या क्या सामना कर रही है। तो ये फिल्म के बाद अब इंशाल्लाह आगे भी प्लान है कि मैं इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम इस तरह से इशू पे बात करें, सोशल इशूज पे बात करें, ताकि इससे अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो कि कोई और लड़की भी आगे बढ़ सकती है। तो बड़ा सेंसिटिव ये टॉपिक था आपने अपनी फिल्म में उठाया, इससे रेजिस्टेंस भी आई होगी जब आप ये काम कर रही होंगी, लोगों ने जाहिर सी बात है उसको आपने फेस किया होगा, तो क्या प्रॉब्लम्स रही इस इतने सेंसिटिव टॉपिक पे काम करते हुए? देखिए मैं ये मानती हूँ कि हमने ये चीजें, जैसे अगर हम कहते हैं ना कि सेंसिटिव टॉपिक है, ये तो हमारा दिमाग है, हम अपने माइंड से सोचते हैं। अगर हम गर्ल्स की वर्जिनिटी पे बात करते तो हम लड़कों की वर्जिनिटी पे क्यों बात नहीं करते? तो ये सोच हमने ही बनाई है, जब तक हम इसे नहीं बदलेंगे, हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो ये चीजें कभी नहीं बदल सकती। तो जैसे मेरी सिस्टर ने ये स्टोरी पे काम किया तो उससे मुझे एक हिम्मत मिली कि हाँ नहीं लिख सकती है तो मैं उसको फिल्म के जरिए दिखा सकती हूँ। क्योंकि अगर आज के दौर में 100 लड़कियों के साथ हो रहा है, इनकेस मैं एक रैंडमली बात कर रही हूँ, तो अगर मेरे फिल्म के बाद 98, 99 या 90% भी लड़कियों के साथ हो रहा है, 10% भी बच जाते हैं, तो ये चाहिए था मुझे। और बात करना सिर्फ टैबू माना जाता है, तो मैं मानती थी कि रेजिस्टेंट तो है, जाहिर सी बात है एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, लेकिन ये चीजें हम फेस कर रहे हैं, उनको हमें बताना चाहिए कि ये हमारी जिंदगी का सवाल है, ये आपके लिए एक टैबू है, आपके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन एक लड़की की जिंदगी इसको सफर करती है, पूरी जिंदगी भर वो चीजों को फेस करना उनको पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बात किया है कि आज जरूरी नहीं कि आज मुझे 100% एक्सेप्टेंस चाहिए, आज अगर 10% भी एक्सेप्टेंस आ रही है तो अगले 5 सालों में जरूर इस पे हम बात करेंगे। अगर आज माइन बात कर रही तो कल माइन के पीछे और लोगों को हिम्मत मिलेगी, वो लोग इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात, इसमें बस हमें अपना सोच बदलना है, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो ये चीजें हम पे होती जाएंगी, तो हम यही सोचते जाते हैं। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी, आपके प्लेटफॉर्म के से हमें अपने बच्चों को सही तरबियत देनी चाहिए, हम अपने बच्चों को
स्पेशली गर्ल्स को हम सही से एजुकेट नहीं कर पाते इस इन मामले में। जब तक हम हमारे पेरेंट्स इन चीजों पे बात नहीं करेंगे तो बच्चों में हिम्मत नहीं होगी कि वो इस टॉपिक पे बात करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन चीजों पे एजुकेशन दे बच्चों को, खास करके बच्चियों को, वो बताएं कि वर्जिनिटी इस तरह से कुछ भी नहीं होता, ये तो एक मेडिकल पर्सपेक्टिव है, आप अगर स्पोर्ट कर रहे हैं, आप अगर एक्टिव हैं तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आपके हेल्थ इश्यूज में, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसके भी डिफरेंट फेज है। पहले तो हमें नहीं पता थे, लेकिन अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें रिसर्च का कितना मौका है, हम इंटरनेट के जरिए कितना रिसर्च कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को और अपने बॉयज गर्ल्स दोनों को ये तरबियत दें, दोनों को ये एजुकेशन दें, तो इसकी वजह से ये चीजें हम फेस नहीं कर पाएंगे। सही बात है, औरतों के साथ साथ मर्दों को भी एजुकेशन की जरूरत है, ताकि उनको भी चीजों का पता लगे। ये जो मूवी आपकी, इसका मैं ट्रेलर भी देख रहा था, तो कम उम्र में शादी और फिर उसके जो मसाइल है उसको लेकर है, और जो वर्जिनिटी वाला इशू है वो भी उसके साथ भी अटैच है, जो लोगों ने देखा तो क्या रिस्पॉन्स था उनका? देखिए, इसमें जो लड़कियां जो थी, जैसे कुछ लड़कियां ऐसी थी वो स्क्रीनिंग में, तो वो तो बिल्कुल रो ही पड़ी थी। उन्होंने कहा हमारे साथ भी यही मसला हुआ है। मेरे, आपको पता है, मेरे स्टूडेंट के साथ, बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसे मसले हो चुके हैं। एक के लिए तो मैं बिल्कुल लड़ चुकी कि आप मैट्रिक के एग्जाम तो देने बच्चे को दें। उन्होंने कहा नहीं, बस कल शादी है, बच्चा ये बच्ची एग्जाम नहीं दे सकती। जैसे ये चीजें मैंने खुद देखे हैं, मेरे स्टूडेंट के साथ ये चीजें हुई हैं। मैं इंटीरियर सिंध गई हूँ, बलूचिस्तान गई हूँ, और भी, मतलब मैं सिंध की अगर बात करूँ, कराची की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे भी ये इश्यूज हमारे हैं। लेकिन ये कि बात करना मुनासिब नहीं मानते, तो मैंने इसीलिए इस फिल्म को मैं लेकर आई, ताकि इस फिल्म के जरिए थोड़ी सी अवेयरनेस मैं पेरेंट्स तक पहुंचाऊं कि जैसे चाइल्ड मैरिज अगर आप कर लेते हैं, बच्चा जब तक मैच्योर नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करेगा। शादी करना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा, आप उसकी शादी दे रहे हैं तो उसमें आपको डाइवोर्स रेशियो आ जाते हैं, उसमें बच्चा चाइल्ड डिलीवरी के दौरान, आप लड़कियों को देखें वो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है उन्हें, वो बहुत सी लड़कियों की डेथ हो जाती है, वो कोमा में चली जाती है, डिफरेंट मेडिकल स्टम में उनको बीमारियां आ जाती हैं। तो ये तमाम चीजें देखें, अगर हम चाइल्ड मैरिज करते हैं तो उस पर बहुत इश्यूज है। तो जरूरी नहीं कि लड़की जब तक मैच्योर ना हो, फिजिकली मैच्योर ना हो, तो उसकी शादी अगर करें तो ज्यादा सही तरीके से हैंडल भी कर पाएगी, वो अपनी चीजों को सही तरीके से भी कर लेगी। तो इस फिल्म को बनाने का मकसद ये था कि मैं इसको वर्ल्ड वाइड शेयर करूं। अब जैसे हमने इसकी स्क्रीनिंग ग्वादर में रखी, बलूचिस्तान के इलाके में रखी, मैंने कराची में रखा है, मैं लियारी में इसकी स्क्रीनिंग कर चुकी हूँ। अभी मैं सोच रही कि इस फिल्म को हम अपने चैनल के जरिए हम इसको लॉन्च कर देंगे, क्योंकि एक यूट्यूब एक ऐसा जरिया है कि लोग वहां से कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये मैसेज वर्ल्ड वाइड लोगों तक जा सकता है, और इस मैसेज की वजह से शायद किसी एक की भी जिंदगी बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इंशाल्लाह आपका ये जो मकसद है वो पूरा होगा, अल्लाह ताला से मदद करे आपकी। आगे क्या इरादे हैं आपके? लाइक लियारी में तो आपने अच्छा खासा काम कर लिया है, और क्या इस जो कॉज है इसको आगे लेके बढ़ेंगे? और दूसरा सवाल ये है साथ में कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट होती है आपको या नहीं होती, या आप चाहती हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, या आप जैसे और लोग जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वेलफेयर के, उनको क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? पहले तो ये है कि आगे तो मैं एक तो मैं बहुत बड़े ड्रीम्स रखती हूँ। मैं मानती हूँ कि जब तक इंसान ड्रीम नहीं रखेगा तो उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। जैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतना आगे निकल जाऊंगी, एक प्लेटफॉर्म पे काम करूंगी, अपना एक प्लेटफॉर्म जिसपे हम मैं 100 से ज्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट हूँ। तो आगे शायद हम फॉर्मल तरीके से काम करें, हम लियारी में स्कूलिंग, प्रॉपर स्कूलिंग पे काम करें। अभी हम शाम के टाइम पे काम करते हैं, तो आगे शायद इन 5 सालों में एक प्रॉपर इनफॉर्मल तरीके से हम काम करें, और अपने ब्रांचेस जैसे लियारी से बाहर भी हम कोलैबोरेशन करें लोगों के साथ, ऐसे आइडेंटिफाई करें ऐसे यूथ को कि वो काम करने के लिए एक्टिव है, ताकि उनके एरिया में भी हम उनके साथ कनेक्ट रहें। और दूसरी बात, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट हमारे साथ जितने सोशल मीडिया में हमें जितने लोगों ने सपोर्ट किया है, मतलब आम लोग, जैसे कोई हम प्रोग्राम रखते हैं तो हम कोई वीडियो डाल देते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो लोग हमें उन चीज़ों को प्रोवाइड कर लेते हैं। जैसे समर कैंप हम रखते हैं, कोई ट्रेनर्स हमारे पास आया, तो इन लोगों से ज़्यादा सपोर्ट है बनिस्बत गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में से हमें कोई सपोर्ट इस तरह से अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं
हमारा जो मंथली बजट होता है वो भी जो आम लोग जैसे कुछ मेरे बाबा के दोस्त हैं, हानी के कुछ दोस्त हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं कि माइंड इस मंथ स्टेशनरीज में आपको करवा के दे रहा हूँ या बुक्स आपको चाहिए, तो मतलब आम लोग ही इसमें ज्यादा एक्टिव है। जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, कुछ ट्रेनर्स ऐसे हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और कुछ इदारों के साथ हम कॉलेब करते हैं, जैसे हम उनकी मार्केटिंग करते हैं, वो हमें सीट दे देते हैं। बेसिकली काम इस तरह से चल रहा है। अगर मैं और खुल के बोलूँ तो ये चंदा सिस्टम पे ही काम चल रहा है, मतलब 6 सालों से हम इसी तरह से काम कर रहे हैं, और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो इतना बड़ा सपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आपको उसको सही तरीके से यूज करना है, आपको उसको आगे लेकर जाना है। अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम जैसे ट्रेनर्स अगर नहीं आ सकते तो हम उन्हें ऑनलाइन ले सकते हैं, वेबिनार करा सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, उसके जरिए भी हमारे बच्चे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब एक उम्मीद आपकी होती है ना, वो एक स्प्रिट, अगर वो आपका पॉजिटिव है तो आपका मिशन 6 सालों से चल रहा है, तो शायद अगर मैं नहीं रही अगले 10 साल तक भी ये चले या 20 साल तक भी चले, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि अगर आज माहिन आपको दे रही है, अगर कल माहिन नहीं भी हो तो आपको अपने थ्रू इसको काम को आगे लेकर चलना है। जैसे आज अगर मैं आपको स्पॉन्सर करा रही हूँ, क्योंकि हम बच्चों से यही कराते हैं ना कि मैं उनको यूनिवर्सिटी फीस स्पॉन्सर कराती हूँ, तो हम उनसे यही कमिटमेंट लेते हैं कि आज मैंने आपको स्पॉन्सर कराया, कल आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने आप के जरिए 3 बच्चों को आगे स्पॉन्सर कर दे। इससे क्या होगा कि ये लाइफ टाइम ये साइकिल चलेगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे हालात बदलेंगे और बदल चुके भी हैं, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि तैयारी में हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म में बच्चे आगे निकल रहे हैं, जैसे मेरे साथ एक लड़का है अनस, वो रैप करता है, वो आगे निकल चुका है माशाल्लाह, उसने अपना एक करियर बनाया है। समीर है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत काम करता है। माजेन है, माइकान है, उमर है, मतलब ये सारे मेरे टीम मेंबर है, और इनका अपना अपना एक डिफरेंट करियर पे काम कर रहा है। उमर मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेकअप उस पर काम कर रहे हैं, अपने आर्ट लाइफ पे काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को देख के मैं कहती हूँ कि चेंज आ चुका है और शायद हमसे ही आएगा। अगर हम वेट करती, मैं माही वेट करती घर पे बैठती, तो मैं अपना करियर तो बना लेती, लेकिन मेरे साथ मिस्ताग नहीं होता। तो आज मेरे साथ मिस्ताग है, और मैं उम्मीद रखूंगी कि मिस्ताग हम लियारी से इसको आगे जरूर लेकर जाएंगे। ओके जी, थैंक यू माही, आपने बहुत वक्त निकाला।